नमस्कार प्यारे बच्चों, मेरे चैनल स्टाइल लाइफ में मैं आप सभी का वेलकम करती हूँ। आप सबके लिए सुनहरा अवसर है। आप सभी अपने मैथ्स और रीजनिंग के तमाम डाउट्स हम तक भेज सकते हैं, हम उसे सॉल्व करने का प्रयास अवश्य करेंगे। तो चलिए आज के प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आज का प्रश्न है पिता और पुत्र की आयु का योग। प्रश्न को ध्यानपूर्वक पढ़ना है आपको। क्या बोल रहा है? पिता और पुत्र की आयु का योग पुत्र की आयु का 4 गुना है। जो पिता और पुत्र की आयु का जो योग है वो पुत्र की आयु का कितना गुना है? 4 गुना है। यदि पिता व पुत्र की औसत आयु 28 वर्ष है। यदि पिता और पुत्र की औसत आयु को देखते हैं तो कितना वर्ष है? 28 वर्ष है। तो पुत्र की आयु है तो पुत्र की आयु कितनी है ये हमें निकालना है। तो हम मान लेते हैं, मानते हैं हम सबसे पहले क्या दिया गया है यहाँ पर, पिता और पुत्र। तो सबसे पहले पिता दिया गया है तो पिता को ही सबसे पहले मानते हैं। माना पिता की आयु, माना पिता की आयु एक्स है, 100 वर्ष है। और पुत्र की आयु क्या हो जाएगा? पुत्र की आयु को हम मान लेते हैं वाई। पुत्र की आयु वाई वर्ष है, ठीक। अब क्या बोलते हैं? पिता और पुत्र की आयु का योग, तो पिता की आयु है एक्स और पुत्र की आयु है वाई। दोनों का योग, योग बोल रहे हैं मतलब धन। क्या बोलता है? पुत्र की आयु का 4 गुना है। अब पुत्र की आयु क्या माने हैं हम यहाँ पे? वाई। इसका कितना गुना? 4 गुना है, मतलब ये हो जाएगा 4y। हो गया। अब यहीं से हम x निकाल लेते हैं। x बराबर कितना हो जाएगा? 4y माइनस वाई। तो यहाँ पे कितना आएगा? यहाँ पे आएगा 3y। 4y में से 1y को घटा देंगे तो ये हो जाएगा 3y। तो x इज इक्वल टू कितना आया? 3y। इसे हम मान लेते हैं समीकरण 1। अब आगे क्या बोलता है? यदि पिता व पुत्र की औसत आयु 28 वर्ष है, दोनों की जो औसत आयु है वो कितना है? 28 वर्ष। एक्स धन वाई बराबर 28 वर्ष है, तो 28 गुना 2 कर देंगे, कुल आयु हम निकालेंगे तो 28 गुना 2 करेंगे तो कितना आएगा? 56 आएगा। 28 तो नहीं होता है ना, 56। अब एक्स का जो मान है वो समीकरण 1 से हम सीधा यहीं पर रख देते हैं। तो एक्स बराबर कितना दिया गया यहाँ पे? 3y। तो हो जाएगा 3y प्लस वाई इज इक्वल टू 56। ये हो गया। अब इसको हम जोड़ देते हैं, 3y प्लस वाई कितना हो जाएगा यहाँ पे? ये हो जाएगा 4y इज इक्वल टू 56। अब क्या हो जाएगा? वाई इज इक्वल टू 56/4। ये इधर गुणा में था, इधर जाएगा तो भाग में बदल जाएगा। तो हो जाएगा 4 एक कम 4, और ये 4 एक कम 4, और 4 चौक 16। तो वाई बराबर कितना आया हमारा? वाई बराबर आया हमारा 14। तो वाई क्या है हमारा? पुत्र की आयु है, और यही हमें प्रश्न में पूछा गया है। तो पुत्र की आयु है, निकल गया हमारा वाई। वाई इज इक्वल टू कितना है? 14 वर्ष, जो कि हमें ऑप्शन नंबर ए में नज़र आ रहा है। तो ऐसे ही आपको प्रश्नों को सॉल्व करना है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।